वेलकम बैक स्टूडेंट्स. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स. एल्कोहल्स और फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एल्कोहल है, द एल्कोहल्स बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स. एल्कोहल्स के अंदर दो टाइप की क्लीवेज होती है, हमारा आर ओ एच, इट इज एल्कोहल. तो हो सकता है फर्स्ट केस की जो ओ एच बोन्ड है, इस बोन्ड की क्लीवेज हो जाए, ठीक है, ये वाला बोन्ड ब्रेक हो जाए. और हो सकता है कि जो एल्काइल ग्रुप मींस जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बोन्ड है, ये बोन्ड क्या हो जाए, क्लीव हो जाए. तो जब इस बोन्ड की क्लीवेज होगी तो देखो क्या बनेगा, आर ओ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एच पॉजिटिव यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एच पॉजिटिव यहां से चला जाएगा. तो अब इस ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे ये हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो इस केस में जब हमारा ओ एच बोन्ड ब्रेक हो जाता है, इन दिस केस द एल्कोहल्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स. हमारे एल्कोहल्स यहाँ पे फिर किस तरह से एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह से. और अगर कोई सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर रहा है, इट मींस वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन भी शो करेगा. अब अगर हमारे एल्कोहल यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह से, तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, इट इज आवर आर ओ एच, ऑक्सीजन कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब अगर मैं कह रही हूँ कि जो हमारे एल्कोहल्स हैं, दीज आर बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस, ठीक है, ये वाला सपोज एल्कोहल है, ये एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन शो करेगा. तो मैंने कंसिडर कर लिया लाइक सी पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है सब्सटेंस एज इलेक्ट्रोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ कंबाइन करेगा तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, एंड दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये अपने ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है. इसको ट्रांसफर करने की वजह से इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो आर ओ. अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लोन पेयर अभी देखो यहाँ पे टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक लोन पेयर जब यहाँ से चला गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी हो गई. सपोज आपके पास क्या है, यू हैव फोर पेन्स, चार पेन है आपके पास, ठीक है, आपने दो पेन किसी को दे दिए, तो आपके पास तो पेन्स की डेफिशिएंसी हो गई, पहले आपके पास चार थे, अब आपके पास कितने रह गए, सिर्फ दो रह गए. तो कुछ भी हो, इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अगर इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी. और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो इसने यहां पे क्या दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, ठीक है. अब ये कंबाइन यहां पे किसके साथ हो रहा है, कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर किसको रहा है, कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसके साथ जाकर के यहां पे कंबाइन हो जाएगा, कार्बन के साथ, ठीक है. एंड और उस ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन एटम है आपका, ये भी यहाँ पे ही प्रेजेंट है. तो सपोज मैंने इसके साथ यहाँ पे दिखा दिया. अब बुक्स में कई बार क्या करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को भी यहीं पे दिखा रहे हैं तो कई बार इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भी दिखाया जाता, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. बट हमारा ऑक्सीजन कैसा है, हमारा ऑक्सीजन तो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन रिच है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है देखा जाए तो फिर ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा, इसको वापस से क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल. तो ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ऑक्सीजन को, और फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, आर ओ सी प्लस, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये यहां से क्या चला गया, बाहर चला गया. और इसी रिएक्शन की हेल्प से भी हम बता सकते हैं, यहाँ पे भी और भी काफी सारे रिएक्शंस हैं, बट इसकी हेल्प से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एल्कोहल्स बिहेव्स एज एसिड्स. जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, या मैं बोलूं कि जो सब्सटेंसेस प्रोटोन डोनर हैं, वो सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं. अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्रोटोन का मीन यहाँ पे क्या हुआ है, डोनेशन हुआ है, सो एल्कोहल बिहेव्स एज एसिड्स. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बट फिर भी इनका एसिडिक नेचर होता है. और यहाँ पे भी आपने देखा हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इट मींस इट इज बिहेविंग हियर एज एन एसिड. एसिड की तरह से एल्कोहल्स क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है. तो हो गया फर्स्ट केस, जिस केस में एल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर रहे हैं. अब जो सेकंड वाला केस है कि अगर इस बोन्ड की क्लीवेज हो गई तो ये सब्सटेंसेस कैसे एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल्स, मीन्स हमारा ये जो एल्कोहल है यहाँ पे आर ओ एच, ये एल्कोहल किस तरह से बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह से. अब अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह से ये बिहेव कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ ही कंबाइंड होगा. न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है और जनरल रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियोफाइल्स की ऐसे होती है, तो मैंने ऐसे दिखा दी.
अब हमारे माइंड में डायरेक्ट क्या आता है कि यहाँ पे देखो क्लीवेज होनी है इस बोन की, OH नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा और इसकी जगह जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, whether it is BR नेगेटिव एंड सो ऑन, जो भी इस टाइप की हमारी न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आकर के इसकी जगह कंबाइन हो जाएगी। बट लग कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, बट दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस हियर इजिली। यहाँ पे एल्कोहल्स के केस में इस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी भी इजिली नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि ये OH यहां से जाए, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल BR नेगेटिव या जो भी आपकी न्यूक्लियोफाइल है उसको आप यहाँ पे कब अटैच करवा पाएंगे अगर ये OH नेगेटिव यहां से बाहर जाएगा। बट एक पॉइंट याद रखिए, OH नेगेटिव इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि जो आयन यहां से जा रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल यहां से जा रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं, जो ग्रुप इसको छोड़ करके जा रहा है। लेकिन OH नेगेटिव जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होने का मतलब क्या है कि ये आसानी से इसको छोड़ करके नहीं जाता। तो अब दिख तो हमें ये रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ यहाँ पे इसको कंबाइन होना है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना भी चाहिए, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होता भी है बट डायरेक्टली नहीं होता। दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हेयर इन सम अनदर वे। किस तरह से होता है? सबसे पहले इस एल्कोहल का करवाया जाता है प्रोटोनेशन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस डायरेक्ट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे सबसे पहले इस एल्कोहल का क्या कराना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा। प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन का मतलब क्या है? आपका एच पॉजिटिव आयन। इट मींस आपको यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि OH नेगेटिव यहाँ से चला जाए, तो OH नेगेटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो आपको इस OH नेगेटिव को यहाँ से भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। मीन्स कि आपको प्रोटोन का यहाँ पे एडिशन करवाना पड़ेगा। कैसे? देखते हैं, ये देखो, ये हमारा ROH। प्रोटोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ प्रोटोन, ठीक है। हम क्या करा रहे हैं इसका, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। जो भी हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है, उसका हम क्या कराते हैं यहाँ पे, प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन है तो फिर क्या होगा, वही केस, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये हाइड्रोजन इसके साथ हो गया अटैच्ड, तो ROH एंड H, ठीक है, ये हाइड्रोजन पहले से था, ये रहा, ये हाइड्रोजन और इसके साथ अटैच हो गया, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का मतलब यही तो है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स उसके साथ ये कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो ये आ गया हाइड्रोजन। इधर से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन के ऊपर तो कमी हो ही रही है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या मिल गया आपको यहाँ पे, आपने प्रोटोनेशन करा दिया, एक प्रोटोन यहाँ पे ऐड भी हो गया, बट ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसी रिएक्शन को आप एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं, जिस तरीके से आपकी बुक्स में नॉर्मली गिवन होता है। सपोज हमने एक ग्रुप और यहाँ पे दिखा दिया, RCH2OH, बात तो वही है, क्योंकि नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, हमें किसी कार्बोकैटायन, मींस कार्बन के ऊपर एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसको शो करने के लिए हम एक ग्रुप को यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखा देते हैं, प्लस एच पॉजिटिव होगा, वही केस, ये यहाँ पे जाएगा आपका RCH2, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और दो आ गए यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब फिर दोबारा ऑक्सीजन, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसके पास अगर पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास एज इट इज रहें, ठीक है, ये अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, यहां से लेगा, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ और ये वाटर की फॉर्म में यहां से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, RCH2 पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस कार्बोकैटायन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। और अब इस केस में अगर आप यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना चाहेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे ऐड करा लिया BR नेगेटिव को, तो नेगेटिव पॉजिटिव में इजिली अट्रैक्शन हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगी लाइक RCH2 BR। तो हुआ क्या, OH यहां से चला गया, ठीक है, और OH की जगह यहाँ पे कौन आ गई, आपकी न्यूक्लियोफाइल BR नेगेटिव, या जिस भी न्यूक्लियोफाइल का आप एडिशन करवाना चाहते हैं वो वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। तो सिंपल सा केस था, अगर आपको शो करना है कि आपके जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो वर्सेटाइल नेचर शो कर रहे हैं, मींस दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये जो मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस बताई हैं, इन केमिकल इक्वेशंस से, इन मैकेनिज्म्स की हेल्प से आप इस चीज को इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एल्कोहल्स की एसिडिक नेचर की। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। तो एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, आपके ये दोनों सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर शो करते हैं। किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपको किसी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर को प्रूव करना है तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करके दिखा दो, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा। जिस सब्सटेंस की आप एसिडिक नेचर प्रूव करना चाहते हैं उसका रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल से करा दो। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, इट मींस वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एल्कोहल्स के केस में आपको बताऊं, सो वी हैव ROH, मान लीजिए इसका रिएक्शन मैंने करा दिया सोडियम से, तो क्या होगा, सोडियम यहाँ पे आ जाता है और क्या बना लेता है, RONA प्लस हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो अगर हम किसी सब्सटेंस का रिएक्शन एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक है हमारा, ठीक है, सोडियम है, इनके साथ जब हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो तब आप बोलेंगे कि इन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो जो एल्कोहल्स हैं, दीज आर द प्रोटॉन डोनर्स, इसलिए ये एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे बता सकते हैं। फिनोल्स के केस में भी हम शो कर सकते हैं, फिनोल क्या है, हमारा बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OH ग्रुप है, उसका भी रिएक्शन आप सोडियम से दिखा दो तो क्या होगा, देखो ये सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और क्या बना लेगा, बेंजीन के ऊपर बन जाएगा ONA प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस एल्कोहल ने एज वेल एज इस फिनोल ने, दोनों ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा दिया जब इनका रिएक्शन हमने करवाया एक्टिव मेटल्स के साथ। तो ये रिएक्शन हमें क्या शो कर रहे हैं, दीज रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एज वेल एज फिनोल्स, ठीक है। ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, आपका RO ग्रुप क्या है, एल्कोक्साइड ग्रुप है, ठीक है, सोडियम और एल्कोक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। मिथाइल ग्रुप होता तो सोडियम मिथोक्साइड, इथाइल होता तो सोडियम इथोक्साइड, ठीक है, ये सब्सटेंसेस बन जाते हैं। इसी तरह से ये वाला जो सब्सटेंस है ये क्या है, इट इज नोन एज सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं। जो फिनोल है, फिनोल में से देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है, मान लो अगर मैं इस हाइड्रोजन को कंप्लीट यहाँ पे हटा दूं और इसका रिएक्शन सोडियम से ना दिखाऊं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके ऊपर ओ नेगेटिव। ये जो आयन बना है, दिस आयन इज नोन एज द फिनोक्साइड आयन, इस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। अब आयन मैंने इसके साथ किसको ऐड करा दिया, सोडियम आयन को ऐड करा दिया, न्यूट्रलाइज हो गया सब्सटेंस, तो इसको क्या बोला जाता है, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या शो कर रहे हैं, एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं एल्कोहल्स की और फिनोल्स की। आप इस तरह के और भी रिएक्शंस लिख करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि किस टाइप के एल्कोहल्स का ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, एल्कोहल्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या फिर फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, इनके कंपैरिजंस देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।